एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का ब्लॉग मैं 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ शाम के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे चल के कहीं जा रही हूँ, तो आज मैं फिर से मायके जा रही हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कितने मायके जाती है, तो आज भी बहुत ख़ास है इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। ये देख सकते हैं दिव्यांशी, हाय बोलो। हाय। तो अभी हम रास्ते में हैं, आगे हमें राहुल लोग लेने आए हुए हैं। देख मिलाती हूँ आपको अभी राहुल लोगों से। देख दो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं मम्मी के वहां पे। सामान निकाल रहे हैं वापस मम्मी के पास अपने मायके। जैसे कि आपने देखा बस मेरी सिस्टर और मेरा भाई आए हैं रुद्रपुर से वापस घर। कल भी है बहुत कुछ खास, तो कल दिखाऊंगी आपको कल क्या है खास। उसके लिए कल का न्यू ब्लॉग देखना पड़ेगा। और कल की हल्की चढ़ाई भी है हमारे वहाँ। आप भी सोचते होंगे ना हर 4-5 दिन में मायके याद आती है, क्या करें, मम्मी लोग की याद आती है ना इसलिए। देखो रुद्रपुर से सीमा को सिर्फ वाइपर मिला जो लेके आई है घर। ये है रोहित, हाय। ये देख सकते हैं मेरे भाई को, आपने पहले भी देखा होगा ये। और सीमा कैसा रहा तुम्हारा सफर, उल्टी उल्टी तो नहीं हुई ना? हुई ना, एक नेपालन को देख के वहां पे ना कोई अच्छा। बहुत सारे लोग आते हैं इसको लेकर अच्छी वीडियो बना। तो हम पहुंच चुके हैं वापस घर पे। दिव्यांशी पहले आ गई थी नानी के पास और हम लोग अभी आ रहे हैं। कैसे लग रहे बेटी नानी के घर आके? नानी का गिफ्ट है, नानी को ये देख सकते हैं सामान से पूरा भर चुका है। ये देख सकते हैं माँ बेटी का मिलन, 5-6 महीने बाद हो रहा है मिलन। ये देखो कितना प्यार आ रहा है, कितने बाद 6-7 महीने बाद मिल रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वापस घर। तो मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, हाय। देख सकते हैं कपड़े बदल दिए हमने आके, और सीमा लोग भी अपने कपड़े कपड़े बदलने जा रहे हैं, हाथ पैर धो लिए हैं। और दिव्यांशी बैठी हुई है और मम्मी बना रही चाय। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम सारे भाई बहन घर पे हैं। और ये है राहुल। राहुल तू क्यों नहीं जा रहा मुँह हाथ धोने के लिए? और पैरों को देखने में लगा पड़ा हुआ है। मैं धो चुका हूँ, झूठे। तो घर आके मम्मी ने हमारे लिए बनाई है चाय और ये है मिठाई। किस किस को मिठाई खानी है जरूर बताएं। तो सब मिठाई खाने के लिए बैठे हैं और चाय पीने के लिए दिव्यांशी तो सामान देखने में लगी है। कूड़ा खा रही दिव्यांशी, ये देख सकते हैं बड़ा आनंद आ रहा है। आओ रे चाह पियो चाह तो अमल। बाहर हो रही बहुत तेज बारिश, आवाज सुन सकते हो कितनी तेज बारिश हो रही है। तो गाइस अभी चल रही सोने की तैयारी, मम्मी डाल रही है बिस्तर। तो फिर उसके बाद हम सीमा लोग सो रहे हैं वहाँ पे, रोज यहाँ सोते हैं बेड में। और तो
गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, मुझे जरूर बनाना। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड गुड नाइट, टेक केयर।